क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसे प्लेयर अपने पूरे दिल से खेलते हैं, पर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनकी वजह से क्रिकेट बदनाम भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने की थी मैच फिक्सिंग। और एक बार फिर एक खिलाड़ी की वजह से पूरी क्रिकेटिंग दुनिया को शर्मिंदा होना पड़ा। अगर आपको भी उस खिलाड़ी का नाम जानना है तो कहीं जाइएगा मत। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी सचित्र सेनानायक पे मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हुए थे और उन पे इल्जाम था कि उन्होंने लंका प्रीमियर लीग 2020 के दौरान मैच फिक्स किया था। और सेनानायक ने हाल ही में 6 सितंबर को ही सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से वो 2020 में लंका प्रीमियर लीग का पार्ट तो नहीं थे, पर उन्होंने उस लीग में एक से ज्यादा प्लेयर्स को कॉन्टैक्ट किया था और उसके बाद ही ये मैच फिक्स हुआ था। अगस्त में उन पे ट्रैवल बैन ऑलरेडी लग चुका था, पर अब वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। खबर ये आ रही है कि सजा के तौर पर सेनानायक को 10 साल की जेल और 100 मिलियन रुपीस का फाइन भी लगेगा। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एक्ट के बेसिस पे अरेस्ट किया गया है। सेनानायक ने अपने क्रिकेटिंग करियर में श्रीलंका के लिए 49 वनडे और 24 ODIs खेले हैं, जहां उनके नाम 78 इंटरनेशनल विकेट्स हैं। और 2014 में वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का पार्ट भी रह चुके हैं और कुछ समय बाद वो क्रिकेट की दुनिया से गायब हो गए थे। वैसे तो ICC ने मैच फिक्सिंग को लेकर ऑलरेडी बहुत से रूल्स बना रखे हैं, पर और कैसे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिसे मैच फिक्सिंग को रोका जा सके, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।